आज की कहानी का नाम है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। आज की हमारी कहानी है हिंदी की कहानी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। एक आदमी था जिसका नाम था रामू। इस आदमी का नाम क्या है? रामू। और रामू के पास एक ये मुर्गी थी। ये बहुत ही स्पेशल मुर्गी थी। ये मुर्गी जो अंडा देती थी वो सोने का होता था। और रामू अपनी मुर्गी को बहुत प्यार करता था। मेरी प्यारी मुर्गी, मेरी अच्छी मुर्गी, मेरी सोनी मुर्गी, तू रोज मुझे एक सोने का अंडा तो देती है, तू मुझे रोज एक अंडे की जगह बहुत सारे अंडे दे दिया कर। लेकिन मुर्गी ने कहा, नहीं मैं तो एक ही अंडा दे सकती हूँ। और रामू जो मुर्गी थी वो बहुत प्यारी प्यारी बातें करती थी, वो आवाज निकालती थी, रामू उसको बहुत सहलाता था क्योंकि वो रोज उसे देखो एक सोने का अंडा देती थी। और रामू क्या करता था, रोज उसे ले जाके बाजार में बेच देता था और बहुत सारे पैसे कमाता था। और उसकी मुर्गी रोज उसे एक सोने का अंडा देती थी, आवाज निकालती थी, आवाज के साथ ही एक सोने का अंडा आ जाता था। ये देखिए एक और अंडा, रोज एक अंडा। और रामू उसको रोज बाजार जाके बेच देता था। एक दिन रामू ने सोचा, मैं जल्दी अमीर बन जाता, क्यों ना आज मैं इसे मार कर। और रामू एक चक्कू ले आया, उसने कहा, क्यों ना आज मैं इसको मार के इसके पेट से सारे अंडे निकाल लेता हूँ। और रामू ने कहा, मेरी प्यारी मुर्गी, मेरी अच्छी मुर्गी, चल आज तू सो जा, अब तेरी नींद का टाइम हो गया है। और जैसे ही मुर्गी सोई, ऐसे करके आराम से सोई, रामू ने क्या किया, धीरे धीरे गया और एक नाइफ से, बड़े से नाइफ से अपनी मुर्गी को रो करके मार दिया। अब मुर्गी रोने लगी, ओ रामू हंसने लगा, मुर्गी का देखो कितना ब्लड भी निकलने लग गया, ये रेड रेड ब्लड। और रामू ने कहा, हा 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 हा, और उसके पेट से वो फटाफट से अंडे ढूंढने लगा। लेकिन उसे कोई भी अंडा नहीं मिला, क्योंकि मुर्गी तो रोज एक ही अंडा दे सकती थी। और वो पछताने लगा, हाय रे मेरी किस्मत, मैंने लालच क्यों किया, मेरी प्यारी मुर्गी भी मर गई, अब मैं क्या करूँगा। और वो बैठ के रोने लगा। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितना भगवान हमें देता है हमें उतने में गुजारा करना चाहिए। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, किसी की चीज को देख के भी लालच नहीं करना चाहिए कि उस बच्चे के पास अच्छा बैग है तो मुझे भी चाहिए। जो आपकी मम्मी आपको लेके देती है, बैग लेके देती है, क्लोथ्स लेके देती है, उसी में आपको संतुष्ट होना चाहिए, उसी में सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हम आप लोगों को क्या शिक्षा मिली, आप सब अपने मम्मी पापा के दिए हुए सामान से ही सेटिस्फाइड हुआ करो। दूसरे के सामान को देख के ये नहीं बोलो, उसके पास है तो मुझे भी चाहिए। सो लिसन टू योर पेरेंट्स, ओबे टू योर पेरेंट्स, और किसी को भी लालच नहीं करना। टिल देन नई कहानी के साथ दोबारा आऊंगी। Till then, bye.